डॉक्टर मनमोहन सिंह बोले भाई वैसे तो आप सुनना अच्छे तरह मंच पे बैठे लोग भी मनमोहन सिंह का कोई किसानों की बात बड़ी आपसे आने वाली है, आप लोग थोड़ा इधर आ जाए, गाड़ी निकलेगी कि कई गाड़ियां निकलेगी। आप किसानों को, आप देहात के लोग, जमींदारों को, आप किसानों को जमींदारों को बर्बाद करके कांग्रेस ने रख दिया। कैसे के इन्होंने लगा दिया सफेद का पेड़, एक घंटे में 6 लीटर पानी दे रहे, गांव गांव में पानी की दिक्कत, गांव गांव डाणे डाणे में लगे हुए पानी की दिक्कत। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, माता बहनों, ऐसी जितने सरकार ने इस देश को कर दिया बर्बाद। और एक भी शेर सुनाऊंगा, उसके बाद मैं एक वाक्य सुना के जाऊंगा। एक शेर है, एक शायर ने लिखा है कि हमने तो आप सब जनता ने, हमने तो जनता ने रो रो कर, हमने तो जनता, परंतु अशोक गहलोत और मनमोहन सिंह इतने बेशरम निकले, हमने तो जनता ने रो रो कर आंखों से टक भर दिए, और इतने बेशरम अशोक गहलोत और मनमोहन सिंह निकले कि उस पानी में, आंसू वाले पानी में, उस पानी में नहाकर चल दिए। हमने तो सर ज्ञानदेव बहुजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता को मानवल गांव पर संबोधित किया। बंधुओं, सभी गांव से पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी पूर्व, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिवादन करता हूं कि आपने मात्र 3 दिन के नोटिस में इतनी संख्या यहां इकट्ठी कर दी। दोस्तों, मैं तो महारानी वसुंधरा राजे के साथ सराई माधोपुर से ही यात्रा में चल रहा हूं। मुझे जानकारी भी नहीं थी, लेकिन कुछ ने अपनी इच्छा जाहिर की कि मांगलोल पे कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो आप सबने इतनी संख्या में यहां उपस्थित हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद मैं महारानी वसुंधरा राजे साहब के साथ निकल जाऊंगा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अब मैं इसके साथ साधुराम यादव जी से निवेदन करता हूं कि वो कृपया मंच पर आए और राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता को मांगोल गांव में संबोधित करें। साधुराम यादव जी, साधुराम यादव जी अलवर जिले के ग्राम पंचायत के सरपंच रहे हुए, सेवानिवृत्त आर्मी के सैनिक हैं और राष्ट्रपति से पुरस्कृत हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसे पहले से उपाध्याय थे ना, उपाध्याय जी एक बढ़िया आदमी प्रेमी है मेरे, उपाध्याय जी का जगह लगाओ और भाई उपाध्याय जी की ऐसी बात है। उपाध्याय जी संघर्ष करो, रोड और सारा ये सब बिजली ना हो, ना सारा स्कूल ना मास्टर, ना सारा हॉस्पिटल आगे मैं कोई चीज ना बिजली वालों रुपए हो जाए वो 100 रुपया पटवारी पैसा। अरे यो गहलोत से ना कह सके भ्रष्ट हो रहा है, बताइए जब राजा घर का अरे ढीला होगा तो भाई नीचे वाला तो ढीला रहेगा, घटी बताओ। किसानों का खाद देखो 1.5 रुपए में कट्टा आ रहा है, कैश मिलती नहीं है, भाव देखो गुड़ को, चीनी को, तेल को क्या भाव हो गया देखो। तो गहलोत सरकार तो बिल्कुल फेल हो गई है, अपने लिए उन्होंने देखो क्या किया है, अपने लड़का के लिए होटल करवा दिया 5 स्टार, अपने मामा को पुपी को खाने दे दी। अरे वाडेरा अभी ज्ञान देव की बता रहे वाडेरा, अपने क्या मतलब हमारे राजस्थान की जमीन, हमारे राजस्थान की जमीन कोड़ियों को भाव दे दी। अरे हमका राजस्थान में सबका हिस्सा है, आपका भी है, आपका भी है, सबका है, हमारा सबका हिस्सा है। अरे देना था तो सोनिया को देना था, इटली इटली कमाए थे सोनिया जी, या और तो नहीं थे, हमारे राजस्थान में क्या मतलब था, फिर कमाए जमीन दे दी भाई साहब। फिर आप सब कटारिया नेताजी आ रहे हैं अभी आपके सामने गाड़ी में, नेताजी कटारिया जी, तो मैं बोल रहा हूँ भाई मौका है बिजली के लिए, सब चीज फैल है तुम्हारे रोड के लिए, इसलिए गहलोत जी सरकार बिल्कुल फैल हो गई है। और वो संदेश यात्रा काट रहा है, 500 आदमी भीड़ नहीं होता है, आंगनबाड़ी वाले कहता है चलो सर नाम लिख दियो, अनुज्ञात फीस दे दियो, तो भाई वो धंधा कर रहा आएगा और कैप्सूल देगा, झूठा कैप्सूल देगा, थोड़ा बड़ा मांग रोल में हवाई अड्डा करवा दूंगा, सकूल करवा दूंगा, कुछ नहीं करवाओ दूसरी गोली देगा आपको, मैं समझा के जा रहा हूँ, सही बात मानना भाई साहब। इसलिए महाराणा जी है, धौलपुर की महाराणा जी है, महाराणा जी को वोट दो और आपका विजय बनाओ, महाराणा जी काम करेगी और आपका इलाका का इंदिरा अच्छा करेगी। जय हिंद, जय भारत। राजा खेड़ा से एक ही हेलो, मैं साधुराम यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आगे
कानोल गांव में संबोधित किया। इसी के साथ मैं धौलपुर जिले के जिलाध्यक्ष हरचरण सिंह जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वो आए और मंच पर पधारे। हरचरण सिंह जी आए और मंच पर पधारे। दोस्तों, ऐसी शक्ति धूप में आप सभी इतने शॉर्ट नोटिस में महारानी लक्ष्मीबाई राणा जी का स्वागत करने के लिए पधारे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं ठाकुर हरचरण सिंह जी निवेदन करता हूं कि कृपया वो मंच पर पधारे और मांगवाल गांव में अपने क्षेत्र की जनता को संबोधित करें। सम्मानी मंच, मेरी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, जब जब गवर्नमेंट बीजेपी की आती है तो एमएलए आते हैं कांग्रेस के, और जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है बीजेपी के उसके एमएलए आते हैं। तो सभी से हाथ जोड़ के विनती है, गवर्नमेंट बीजेपी की राजस्थान बन रही है, महारानी साहब मुख्यमंत्री बन रही है, तो सभी जिसको टिकट दे महारानी साहब उसको सभी फूल पे मतदान करके और तो चारों सीट धौलपुर की निकाल है। और महारानी साहब की खुद इच्छा है कि लिफ्ट एजुकेशन और चंद्र रहता ये दोनों के लिए वो बिल्कुल तैयार है। गवर्नमेंट चाहती दोनों काम हो जाएंगे और तो दोनों काम हमारे बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। सभी से निवेदन करता हूं कि केवल महारानी यशोदा राजे साहब के अलावा और किसी का नारा नहीं लगाना है। रथ आ चुका है, मैं निवेदन करता हूं कि आगे से खाली कर दें, आगे का रास्ता छोड़ दें। Thank you.
समय आ गया है कि धौलपुर जिले की तरक्की हो, उसकी प्रगति हो। उस प्रगति के अंदर जहाँ आप लोग का हिस्सेदार नहीं बनना चाहते, बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते, अलग हटने का काम सिर्फ एक ही है, हम लोगों का साथ दो, सरकार अपन बनाए, बनाने के बाद जिले का काम अपन करें, यहाँ प्रगति हो, यहाँ विकास हो, ताकि हमारे किसान, हमारी महिला, हमारी युवा सब अपने अपने क्षेत्र क्षेत्र के ऊपर मजबूत बने। ये काम के लिए हम सबको साथ से मिलकर करना होगा। आज के दिन जो मैं दिख रही हूँ मुसीबत ही मुसीबत, बिजली की सप्लाई अनियमित है, कस्बे के अंदर 8 से 10 घंटा, गाँव में 4 से 5 घंटा, लाइन की मरम्मत के लिए कर्मचारियों की लापरवाही और पीपीएल के सदस्य हैंडपंप में पानी मिलता है आज भी, सरकारी हैंडपंप खराब तो मरम्मत के लिए रिश्वत। नरेगा योजना के काम सिर्फ कागज में, कहीं काम हो ही नहीं रहा है, 3 साल से इस जिले के अंदर बंद है और जो भी पैसा आता है वो रिश्वत में चला जाता है। 13,000 करोड़ रुपए की जोरदार कब्जा है, बीपीएल आवाज के लिए 5 से 7 हजार रुपया तो रिश्वत ही देना पड़ता है, 50,000 में 7,000 रुपए चले जाते हैं तो बचता क्या है। रेलवे बसों का संचालन बिल्कुल ही अपर्याप्त है, इधर से उधर जाने के लिए लोगों को मुसीबत है, ये तो खाली मोटा मोटी है। और ये समस्या 40 साल पहले और अब ज्यादा फर्क नहीं है, खाली इसमें नरेगा जो है, नहीं तो बिजली की मुसीबत थी पहले भी, बसों की मुसीबत थी पहले भी, रोड की मुसीबत थी, पानी की मुसीबत थी। हम लोग 40 साल इसी गड्ढे में रहे, बाहर जा ही नहीं पाए। तो अब इस बार सोच विचार करके पार्टी का साथ दे, अपनी अपनी सरकार बना के अपने प्रगति का काम में अपन लग जाए। अब दूसरे की प्रगति मत करो भैया, अपनी प्रगति करो। किधर से बोल रहे हो यार? मैंने अभी तक बोला नहीं थी, कहा से उनको एकदम से अपना लिए। ये तो खारा पानी पीने करवाओ, खारा पानी मैं क्या है, जयपुर से लाई और जो भी आकर उठा दी नहीं, वो तो रस्ते पर मेरे पास आ रहा है। पानी की जोरदार मुसीबत है, सिंचाई की मुसीबत है, लोग कह रहे हैं कि हम लोग अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं, तो है ही नहीं साधन ही नहीं, इसलिए ये सब चीजों को अगर कुछ ठीक करना है, सरकार बनाओगे नहीं बनाओगे। भैया इसको ये वो बोले वो ये बोले नहीं देना, अपने को तो एक ध्यान रखना है, अपने को देना है, सरकार बनानी मुझे मेरी तरफ से, इधर उधर नहीं, समझे ना, तब अपन कुछ कर सकेंगे। नहीं पिछली बार भी वही हुआ, उसको पहले भी नहीं हुआ, अपन कुछ नहीं बना पाएंगे, इसलिए आपके ऊपर छोड़ रही हूँ मैं सब। और मैं विश्वास करके जा रही हूँ कि जब